नमस्कार दर्शक मित्रों, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। द्वारका जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक अवैध शराब सप्लायर को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी का नाम रंजीत सिंह है, उसकी उम्र 28 वर्ष है। रंजीत को एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार में 750 क्वार्टर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। सूचना मिलने पर एंटी नारकोटिक सेल द्वारका जिला के प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष चंद के निर्देश पर टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने मुख्य सड़क के पास इंदिरा पार्क नजफगढ़ नई दिल्ली में तैनात होकर संदिग्ध वाहन का इंतजार किया। कुछ समय बाद नजफगढ़ की ओर से आ रही एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार को टीम ने रोका। जांच करने पर कार से कुल 750 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई। इस मामले में नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। आरोपी रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार सहित जब्त की गई शराब को पुलिस स्टेशन के माल खाने में जमा कर दिया गया है। रंजीत सिंह की अब तक किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं पाई गई है। मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।